विश्व रंगमंच दिवस पर सोमवार को कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मॉडर्न आर्ट थिएटर संस्थान बाड़मेर द्वारा विश्व रंगमंच दिवस पर नाट्य मंचन एवं कला साधक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वर्तमान में समाज की रंगमंच के प्रति प्रतिबद्धता विषय पर आयोजित हुए नाटक मंचन को देखने बड़ी संख्या में कला प्रेमी पहुंचे। पीजी कॉलेज के सभागार में आयोजित हुए विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य पर कई अतिथि व रंगमंच प्रेमी उपस्थित रहे। रंगमंच समाज में परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। यह बात मॉडर्न आर्ट थिएटर संस्थान बाड़मेर के तत्वावधान में विश्व रंगमंच दिवस समारोह में पीजी कॉलेज बाड़मेर में मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बंसीधर तातेड़ ने कही। उन्होंने कहा कि वैदिक काल के इतिहास से लेकर आज तक आधुनिक युग में समाज में जो बदलाव आया है उसका एकमात्र सशक्त माध्यम रंगमंच ही दृष्टिगोचर होता है। वैदिक काल में नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि से लेकर आज के आधुनिक युग के रंगमंच पर एक दृष्टि डालते हैं तो यह बात दृष्टिगोचर होती है कि रंगमंच समाज का दर्पण है जो समय समय पर समाज को जागृत करता है। रंगकर्मी ओम जोशी ने कहा कि रंगमंच व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक माध्यम है जो व्यक्ति को सामाजिक मानसिक और शारीरिक रूप से विकास में सहायक होता है। मॉडर्न आर्ट थिएटर संस्थान बाड़मेर के अध्यक्ष और वरिष्ठ रंगकर्मी गोपी किशन शर्मा ने कहा कि रंगमंच पर अभिनय करने का अर्थ यह है पराकाय प्रवेश, यानी इंसान जो है मंच पर अभिनय के दौरान उसे नाटक में दिए गए किरदार को जीवंत बनाए रखने को ही अभिनय कहते हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा बाड़मेर के सबसे वरिष्ठ बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार पुष्कर प्रदीप को कला पुरोधा सम्मान से सम्मानित करने पर सोमवार को विश्व रंगमंच दिवस पर मॉडर्न आर्ट थिएटर संस्थान बाड़मेर द्वारा भावभीना अभिनंदन किया गया। पुष्कर प्रदीप ने कहा कि यह सम्मान उनका नहीं बल्कि बाड़मेर की मरुद्रा का है। उन्होंने तो केवल कला की उपासना की है, साधना की है और निस्वार्थ भाव से अपना कर्म किया है। यूनियन कलाकार का मतलब केवल जो नाटक पे मंच पर नाटक करता है वो ही नहीं है। हितों के संरक्षण के लिए और कलाएं जो नाट्य कलाएं थी वो लुप्त नहीं हो जाए। कोरोना पर, कोरोना वायरस कैसे फैलता है कैसे नहीं फैलता उस पर तो इस स्क्रिप्ट को किसी ने तैयार किया होगा। अच्छा, कुछ इन्होंने ड्रेसेस पहनी तो नाटक में वेशभूषा कॉस्ट्यूम डिजाइन बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए पीजी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर भास्कर गोविंद मैत्रेयी ने कहा कि बाड़मेर में आज पहली बार विश्व रंगमंच दिवस पर पहले प्रेमसिंह निर्मोही द्वारा अभिनीत नाटक का मंचन हुआ, फिर रंगमंच के पहलुओं पर चर्चा हुई। प्रेमसिंह निर्मोही के दमदार अभिनय ने सेमिनार में हॉल में उपस्थित सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके साथी कलाकार अभि गोयल व डॉक्टर के रूप में अभिनय करने वाली अलका शर्मा शेरनी के अभिनय की भी दर्शकों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर आदर्श किशोर जानी ने कहा कि डॉक्टर बंसी दत्तात्रेय साहब कॉलेज के विद्यार्थियों को रंगमंच के हर पहलू से वाकिफ कराया है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ बड़ी संख्या में कलाकार और कला प्रेमी मौजूद रहे। हमारे